नाम से अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशा आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत हमारे चैनल पर। फिर से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो लेकर आए हैं माय फर्स्ट ईद इन इंडिया। एक पाकिस्तानिया जो कि भाई इंडिया गए हैं और उन्होंने अपनी जो ईद है ना वो इंडिया में मनाई है। ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज के। चलिए, और आप सबको ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद हमारी जानिब से, और आप सबने हमें विश किया उसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखते हैं आज के। तो हम इस वक्त दिल्ली के उर्दू बाज़ार के अंदर, और जी आप कर लें, आप कर लें। दिल्ली के बाज़ार में इस टाइम हम मौजूद हैं, और कौन सी ये मस्जिद है, जामा मस्जिद के सामने हम खड़े हुए हैं। उसके शॉट्स आप लोगों ने बड़े खूबसूरत किस्म के बीरोल्स देख लिए होंगे, और अगर वासिफ अपने एडिट में ना ऐड करे तो आपने नहीं देखे होंगे। तो मेरे चैनल पर आइए और उसे उन बीरोल्स को देखिए। आए चलते हैं यार दिल्ली के बाजार में। चांदनी चौक, शाही टुकड़ा, सुबह के इस वक्त 5 बज रहे हैं और दिन है आज ईद का। तो हमारा प्लान ये था कि सबके साथ जाके ईद की नमाज़ पढ़ेंगे हम, लेकिन जब परसों हम जामिया मस्जिद गए फोटोग्राफी करने, तो हमारा था कि जो दरमियान में एक चबूतरा है वहाँ पे हम एंगल बना के अपना एक ऐसी मतलब बिल्कुल मिड एंगल से फ़ोटो लें जिसमें सामने जामिया मस्जिद आ रही हो और इस तरफ लोग नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे हो। तो तब हम पहुंचे थे उस वक्त मगरिब के टाइम, तो मगरिब टाइम पहुंच चुके थे हम, लेकिन उस वक्त हो ही रहा था कि एंट्री उस जगह की क्लोज़ हो चुकी हुई थी। तो जब बाहर वो जो गार्ड खड़ा हुआ था उसको हमने बताया कि भाई हम पाकिस्तान से हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा यार देखें, वो रूल्स के खिलाफ मैं आपको ज़रूर ले जाता ऊपर, लेकिन इस वक्त मुश्किल है, आप आइएगा ईद वाले दिन सुबह 5 बजे आप पहुंच जाइएगा हर हालत में जामा मस्जिद दिल्ली के गेट नंबर 2 पे। तो मैं जो एक ड्रीम शॉट दिमाग में सोच के आया था कि पूरी मस्जिद भरी हो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो इतना नहीं होता कि पूरा सहन भरा रहे गर्मी में नमाज के दौरान, तो सिर्फ पॉसिबल या तो जुमातुल विदा या ईद वाले दिन। तो उसने बोला कि ईद वाले दिन मैं आपको वहाँ पे ले जाऊँगा, लेकिन आप मेरे पास सुबह 5 बजे हों। मैंने हसान को देखा, हसान ने मुझे देखा, हमने कहा डन। लेकिन अब पाकिस्तानी है, क्या कर सकते हैं, कभी टाइम पे तो पहुँचे नहीं हम। 5 बज रहे हैं, इधर हसान नहा रहा है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑलमोस्ट। एक और मेरा दोस्त है अमीर हमज़ा, वो भी आ रहा है बस। तो अब 7:15 बजे ईद की नमाज़ है, तो अब 5 तो हमें यहीं बज गए हैं। हमारे होटल से जहाँ पे हम हैं इस वक्त पहाड़गंज के इलाके में, तो यहाँ से ऑलमोस्ट रास्ता है ट्रैफिक के दौरान डेली रूटीन में 24 मिनट्स का। तो अभी 10 से 15 मिनट हमें लग जाएंगे अगर तो रिक्शे वाला बाहर खड़ा हुआ। तो अब हम आपको मिलते हैं जामिया मस्जिद दिल्ली।
ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने जो बाज़ार है वहाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में एक ईद मुझे ऐसी मनानी पड़ेगी जिसमें मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मतलब फैमिली जितनी भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, आपको आपके लिए फैमिली मैटर करती है। जो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है दूर है फैमिली तो क्या हो गया, मतलब मुझे 21 दिन अभी तक, मुझे इंडिया में 16वां दिन है मेरा, मुझे इतनी घर वालों की कमी आज तक महसूस नहीं हुई जितनी आज हुई है। मतलब मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं ना रहूँ। मतलब लेकिन अब हो गई है मेरी घर पे बात, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो मुझे अभी एक, जैसे आपको पता है ईद मुबारक के मैसेजेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मोबाइल पे आते हैं साल में एक दफ़ा। ये मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आवा It confers me fathomless gaiety to unbosom my vivacious Eid felicitations to you and your kinsfolk. I fervently covet and supplicate that this Eid unfolds such ecstatic and dazzling events for you that even transcend and all your yearnings and hankerings. Eid Mubarak. इसके बाद दो गोलियां एंटामाइजोल की खाएं ताकि आपके ज़ुबान का पेट ख़राब ना हो। आमीन। खुदा की कसम ये देख लें मैसेज आया हुआ है। मतलब अगर आप सिर्फ एक ईद मुबारक लिख के भेजेंगे तो अल्लाह की कसम मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। ये अखबार में से वो कैबलरी के वर्ड ढूंढ ढूंढ के जी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई ईद मुबारक हमारी तरफ से, ईद मुबारक आप सबको, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। भाई ईद जो है ना बहुत एक अच्छा फेस्टिवल है और ये मुसलमानों के लिए एक तोहफा होता है। जब आप 30 पूरे रोज़े रख लेते हो ना, 30 रोज़े के बाद एक, मतलब जैसे होता है ना, मतलब आप एक ज़िंदगी में एक स्ट्रगल करते हो उसके बाद आपको एक गिफ्ट दिया जाता है, वैसे ही ये हमारे लिए एक एज अ गिफ्ट होता है रमज़ान का, कि ईद जब आती है ना तो मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस दिन आप जाके नमाज़ पढ़ें ईद की, सुबह के 7 या 8 बजे नमाज़ हो जाती है जिसमें सब लोग जाके मिल बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। और इस ईद के मौके पर ऐसा होता है कि भाई जितनी भी, मतलब आपके अंदर नफ़रत बढ़ी हुई होती है या फिर आप जो भी गिले शिकवे होते हैं ना, उनको बुला कर जो है ना आपने एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिल बांट कर ना बैठना होता है और एक दूसरे की जो है ना मतलब खुशियों में शामिल होता होना होता है। और इस दिन में सबसे अच्छा ये लगता है कि भाई सुबह सुबह जो है ना आपने सेवैयां खानी होती हैं मीठी, है अम्मी आप बनाएंगी कल? हाँ है अम्मी बनाएंगी, मेरी अम्मी बनाती हैं मीठी मीठी सेवैयां। आप सबको ब्लॉग जो है ना ईद का ज़रूर बना के मैं दिखाऊंगी कि हमने भाई अपनी जो ईद है ना वो किस तरह से सेलिब्रेट की। आप ज़रूर हमारे ब्लॉग का वेट करना क्योंकि मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऐसे मतलब ईद पे व्लॉग बनाऊंगी, वरना मैंने पहले कभी बनाया नहीं है आज तक ईद का व्लॉग। तो आपको बना के दिखाएंगे कि भाई हम किस तरह से क्या क्या खाते हैं, क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वैसे मैंने जामा मस्जिद में देखा कि पूरी भरी पड़ी थी भाई, कोई ऐसी स्पेस नहीं थी जहाँ पर बंदा नहीं था, इतने ज़्यादा लोग थे। क्योंकि इस एक जुम्मे की नमाज और एक जो होता है ना ईद की नमाज, उस टाइम पे जो है ना लोग ज़रूर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना भाई मुसलमानों को तो भाई इंडिया में नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे, और यहाँ ये कहाँ पे हम देख रहे थे फिर, झूठ बोलते हैं है? ये कहाँ पे हम इतनी ज़्यादा भीड़ फिर कहाँ पे लगी हुई ज़्यादा भीड़, ये मस्जिद वहाँ की मस्जिद जामा मस्जिद की दिल्ली की बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। जैसे यहाँ पे है ना बादशाही मस्जिद के साथ ही बादशाही मस्जिद जो है वो, वैसे ही वहाँ पे जामिया मस्जिद है बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो बहुत अच्छा लगा भाई देखकर, और आप सबको ईद की बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस आप कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर, और हमें भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फिर आपको मिलते हैं कौन वीडियो में।